सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से विधायिका को कंटेम्प्ट की पावर मिली हुई है, ठीक उसी तर्ज पर अब चुनाव आयोग ने भी कंटेम्प्ट की पावर मांगी है। इस मसले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं शकील अहमद साहब, आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये ईसी ने भी पावर मांगी है कि कंटेम्प्ट की पावर उनको भी मिलनी चाहिए, सर क्या कहेंगे आप, इसे इत्तफाक रखते हैं आप? ऐसा मैं इसे इत्तफाक रखता हूँ इसलिए कि जो इलेक्शन कमिश्नर है ही सिट्स एज ए जज टू इंटरप्रेट एंड डिसाइड द इलेक्शन लॉज एंड ही डिलीवर्स द जजमेंट्स ऑल्सो, देयरफॉर ही शुड बी गिवन द पावर ऑफ कंटेम्प्ट टू पनिश द the contemner for contempt of court. If it is done, if it is any aisa ho gaya ke unko power mil gayi, to politicians par kabu rakha ja sakta hai. Nahi to politicians jo hain kisi bhi law ko todne ko taiyar rehte hain, unhe koi parwah nahi. Chal sahab ka sab bahut bahut dhanyawad. ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील शकील अहमद साहब जो हमसे बात कर रहे थे। इनका कहना है कि जिस तरीके से ईसी ने भी अब कंटेम्प्ट की जो पावर मांगी है कहीं ना कहीं वो जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो अवहेलना की जाती है, चुनाव आयोग की जो दिशा निर्देशों की जो अवहेलना की जाती है, उसके लिए उन्हें उनके खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, जिसे देखते हुए अब चुनाव आयोग ने कहा कि वो सीधे कार्रवाई करें ताकि उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो विधायिका को पावर मिली है ठीक उसी तरह उन्हें अगर पावर मिलती है तो वो सीधे तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि सरकार इसी को ये पावर देती है या फिर नहीं देती है। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ सुरेश झा, चैनल 1, दिल्ली।